दोनों BRTS पर नेहरू स्टेडियम के पास लगी शिवाजी प्रतिमा की शिफ्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। शेष बचे काम के लिए भी नगर निगम ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ 4.25 करोड़ की लागत से शिवाजी वाटिका चौराहे का विकास किया जाएगा। इसमें वाटिका की तरफ के तीनों हिस्सों की सड़क के चौड़ीकरण के साथ लेफ्ट टर्न भी चौड़ा किया जा रहा है। इंदौर नगर पालिका निगम विकास कार्यों के साथ ही सुगम ट्रैफिक व्यवस्था के बीच तालमेल स्थापित करने में जुटा है। निगम की मंशा का उदाहरण BRTS के समीप स्थित शिवाजी वाटिका में देखने को मिल रहा है। यहाँ अब न सिर्फ इस वाटिका को विकसित किए जाने की दिशा में काम शुरू होने वाला है, बल्कि लेफ्ट टर्न भी चौड़ा किया जाएगा। इस काम के लिए शिवाजी प्रतिमा को शिफ्ट किए जाने संबंधी काम भी लगभग पूरा किया जा चुका है। शिफ्टिंग से जुड़ा जो थोड़ा काम बाकी है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने 2 करोड़ की लागत का टेंडर जारी किया है। निगम यह काम ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से करेगा। यहाँ बगीचे में उद्धार के साथ लोगों के बैठने की व्यवस्था भी रहेगी। फुटपाथ, प्लेटफॉर्म और सड़क चौड़ीकरण भी होगा। नगर निगम ने इस चौराहे के जीर्णोद्धार से जुड़े कामों को जल्द पूरा करने की तैयारी कर ली है। शिवाजी प्रतिमा पर चूंकि अपने लोगों का वो परकोटा लगभग तैयार है, तो उसी के लिए टीम अपनी शिफ्टिंग की तैयारी कर रही है और ये पूरा उसके साइड से हम लोग सर्विस लेन उसका बना रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही वेल डिजाइन, बहुत अच्छा से डिजाइन किया हुआ एक प्रतिमा स्थल रहेगा, तो उसका काम जारी है।